नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। जी हाँ, दुबई से जो लेबर लॉ है 1980, उसमें ग्रेजुएटी बोनस के बारे में हम बात करेंगे। बोनस के बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में अलग से बात करेंगे। ये जो शिकायत है बहुत सारे लोगों के साथ आती है। बात करें कि आप कंपनी में एक साल से ऊपर, एक साल, दो साल, पाँच, दस, पंद्रह, बीस साल तक आप कंपनी में काम कर लेते हैं, कंपनी में ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तभी इतने टाइम तक आप टिक पाते हैं, इस बात को तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन वो बात है ना भाई, आप कंपनी के साथ कितनी भी वफादारी कर लें, लेकिन कंपनी आपके साथ लास्ट में गड़बड़ कर सकती, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि आप कंपनी में 10 साल, 15 साल, 20 साल तक काम कर रहे हैं, आपका वर्क परमिट टाइम टू टाइम रिन्यू हो रहा है, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपकी जितनी भी तनख्वाह है, अगर 20 साल काम करोगे तो तनख्वाह तो आपकी हाई लेवल पे होगी, नो डाउट, इस बात को हम मान सकते हैं। लेकिन अचानक काम करते करते आपके घर से कोई फ़ोन आ जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई डेथ हो जाए, कुछ ऐसी माहौल क्रिएट हो जाए कि आपको अचानक से आपको घर जाना पड़ता है। जी हाँ, उस दौरान आपको कंपनी में, अगर आप इतने टाइम काम कर चुके होते हो तो आपको तय बात है कि आपकी नौकरी पूरी कर हो चुकी होती है, आपकी एज हो चुकी होती है, उस कंपनी में आप दोबारा नहीं आ सकते या आना नहीं चाहते, कुछ भी रीज़न हो सकता है। उस दौरान आपकी जो ग्रेजुएटी बोनस है, एंड ऑफ ईयर्स, एंड ऑफ जॉब की बात करें, सर्विस जॉब की बात करें, जो बोनस जिसको अगर हिंदी में बोलें, तो जो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहता है सैलरी में एडवांस तौर पे अलग अलग तरीके से, वो कंपनी में जमा होता रहता है। जी हाँ, उसको क्या होता है कि जब आप फाइनली कंपनी छोड़ के आओगे तो कंपनी आपका पूरा भुगतान करती है। कई बार देखने में आता है ना कि यार वो कंपनी से रिटायरमेंट हुआ तो उसको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपये इकट्ठे पैसे मिले, वो पैसा वो ग्रेजुएटी बोनस होता है। जी हाँ, इसको आप बोनस बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं जॉब ईयरली, जो एंड ऑफ सर्विस होते हैं, एंड ऑफ सर्विस बोनस बोल सकते हैं। वो अचानक से फिर कंपनी को बोलोगे, सर मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, मेरे अचानक से घर में काम होगा। कंपनी बोलती है ठीक है, जाइए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपका जो एंड ऑफ सर्विस, आपका जो बोनस बचेगा, वो कंपनी बोलती है कि अभी हमारे पास नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको बाद में दे देंगे। तो उस दौरान आपके साथ क्या घटना हो सकती है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा आपके पास अग्रीमेंट होना चाहिए, कहीं आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं, इन हम डिटेल से पूरी हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीए से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लें। इस दौरान देखिए, जब भी आप भुगतान मांगोगे तो कंपनी आपको सबसे पहले आपका ग्रेजुएटी बोनस की तरफ से ध्यान नहीं देगी, वो बोलती है हाँ जी ये आपका वर्क परमिट है, इस पे आप वर्क परमिट रद्द होने के अपने सिग्नेचर कर दीजिए। सबसे पहले कंपनी ये काम करवाती है, क्योंकि आपको छुट्टी देनी है तो आपका पूरा मैटर क्लोज करके आपको इंडिया भेजना चाहती है। बोनस की बात वो नहीं करेंगे, वो तो आपको करनी पड़ेगी। तो उससे, उस पर सिग्नेचर करने से पहले कंपनी को बोलना होता है आपको कि सर मेरा जो आज तक का बोनस बना है वो तो दीजिए, समझ गए। तो उस दौरान कंपनी आपको क्या बोल सकती है कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको इंडिया में आपके अकाउंट में लगा दूंगा, या आपको थोड़े थोड़े करके मैं दे दूंगा। उस दौरान आपके पास क्या ऑप्शन, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो मैं बता दूं कि आपको जो सेवा बोनस है उसको पूरा हिसाब होने से पहले आप उस पर वर्क परमिट जो अग्रीमेंट है उसको रद्द करने वाले पे आपको सिग्नेचर नहीं करना है, समझ गए। आपको जो फॉर्म आता है उस पर साइन नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपना हिसाब करना है कंप्लीट। हिसाब करके कंपनी को यह बोलना है, कंपनी का एक वे प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, उसका पालन कंपनी को करना होता है, या मानव संसाधन मंत्रालय, अमृत मंत्रालय के माध्यम से जो बता दूं, एंड ऑफ सर्विस आपका जो पैसा होता है उनका लाभों का प्रमाण कंपनी को कर्मचारी के माध्यम से देना होता है। जी हाँ, कर्मचारी का जो अकाउंट होता है, वर्कर का जो आप लोगों का अकाउंट है, कंपनी की तरफ से अकाउंट खुला हुआ होता है, उसमें तनख्वाह आती है। तो कंपनी की जिम्मेदारी, नियुक्ता की जिम्मेदारी होती है कि इन प्रोसेस के माध्यम से आपका पूरा हिसाब बनाएं, उसका प्रमाण पत्र वो उसमें जमा कराएं, यहाँ पे उनको जमा दिखाएं कि ये देखिए जी इतना इनका पैसा वगैरह बना है, ये बात आपकी हो जाती है, ये आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आपको तसल्ली हो जाती है कि भाई आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तब आप साइन कीजिए और आपका वीज़ा कैंसिल हो गया, आपका पैसा आप अपने अकाउंट से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे वो आपकी मर्जी है, आप इंडिया आ सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता दूँ कि भाई मान लीजिए आपको अर्जेंट में आना है, कंपनी टाइम ले रही है, आपका सैलरी वगैरह जो एंड ऑफ सर्विस जो आपकी होती है, जो आपका पैसा बनता है उसमें, तो आपको 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 एक सहमति बनानी होती है, वीज़ा रद्दीकरण, आपको वीज़ा, आपका वीज़ा कैंसिल होगा, आपको सबको पता है, उस पर आपको साइन करते हैं। तो उससे पहले एक आपको एक परफॉर्मा तैयार करना है। जी हाँ, उसमें दोनों की सहमति होती है कि भाई आप चाहे इंडिया चले जाओ, चाहे आप दुबई में रह लो, कंपनी की तरफ से ये गारंटी देनी होती है भाई हम आपका पैसा इतने टाइम में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, चाहे तो इंडिया के पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर दुबई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जी हाँ,
ये होती है, उसमें एक अग्रीमेंट होता है, उसमें आप आपके साइन होते हैं, वीज़ा आपका कैंसिल हो जाता है और ये आपका एक प्रूफ बन जाता है कि कंपनी ने इस शर्त पे मैंने रिजाइन दिया है और कंपनी ने बोल दिया कि मैं आपके पैसे इतने टाइम में वापस आपकी सैलरी आपके अकाउंट में शेयर कर दी जाएगी यानी भेज दी जाएगी। जी हाँ, खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि एक कंपनी को आपको बेवकूफ़ बना के कंपनी सोचती है, कई बार लोग बोले डाले होते हैं बेचारे, नॉलेज नहीं होता, बूढ़े हो जाते हैं, उम्र हो जाती है, अनपढ़ होते हैं, उनको नहीं पता होता, वो इंडिया आ जाते हैं, कंपनी दिमाग लगाती है, उनको लापरवाही कुछ पैसा भेज देती है, फिर पैसा नहीं भेजती या बिल्कुल भी पैसा नहीं भेजती, उनको लगता है कि वो गया अपने देश, अब वापस नहीं आने वाला है। तो उस दौरान आपके पास एक ऑप्शन बचता है, जिस दिन आपने साइन किए थे उस दिन से लेके अगले एक साल तक आपके पास टाइम होता है उनके खिलाफ में कंप्लेन करने का। जी हाँ, अगर वो आपको आपको तनख्वाह देने में विफल रहता है, आपको सैलरी नहीं देता है, आपका जो एंड ऑफ सर्विस वगैरह जितना भी आपका पैसा बकाया वो नहीं देता है, तो उनके खिलाफ में आप एक्शन ले सकते हैं, रोजगार शिकायत कर सकते हैं। जी हाँ, लेबर लॉ में। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो लेबर लॉ में भी आप शिकायत करते हैं, वहाँ पर आपका समाधान नहीं होता है, तो MHHI की भी आप अपनी शिकायत स्वीकार मान लीजिए नहीं करती है, तो आप बड़ी अदालत में भी उनके खिलाफ नागरिक दावा कर सकते हैं कि भाई इस तरह से ये हमारा अग्रीमेंट है, इस बेस पे हमने सिग्नेचर किया था, लेकिन वो होगा ओनली फॉर दुबई में, इस बात का आप ध्यान रखिए, उसका जो न्याय है लीगल एक्शन दुबई में लिया जा सकता है क्योंकि कंपनी वहाँ की है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर इंडिया का कोई आदमी है, कोई ठेकेदार है, कोई कंपनी मालिक आपको दुबई लेके जाता है, तो उसके खिलाफ तो आप इंडिया में भी एक्शन ले सकते हैं, वो तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, जब भी आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं, एंड ऑफ सर्विस आपकी जो होती है, बोनस होता है, उसको लेके सही तरीके से फैसला लें, वरना आपका पैसा फिर ख़राब हो जाएगा, आप कंपनी के पीछे पीछे थोड़ा बहुत पैसे के लिए दुबई बार बार नहीं जा सकते। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।